तो गाइस साइंस के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ मैं तुम्हें खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने खुद क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 100 out of 100 स्कोर किया है यार, वो पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ कुछ ऐसी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या गाइस तुमने अभी तक बिल्कुल स्टडी नहीं की, तो यार बिल्कुल एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ तुम्हारे सामने जो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना ही करना है वो है तुम्हारा फुल सिलेबस रिविजन। अब उसके लिए गाइस तुम 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो या तुम अपनी एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। अब देखो ये काम किसे करना है, जिस स्टूडेंट की तैयारी बहुत मतलब हल्की फुल्की है, इतनी ज़्यादा खास तैयारी नहीं है, उन्हें 1 शॉट लेक्चर लगाना है। हाँ यार ठीक है, इससे बस इसमें ये ध्यान रखना कि तुम मैक्सिमम 6 से 8 घंटे का ही लेक्चर देखो, जिससे तुम्हारे सभी कंसेप्ट जो है तुम्हें पता चल जाए बेसिकली कि हाँ हर एक कंसेप्ट में बेसिकली है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें जो है 1 शॉट लेक्चर से ही करनी है, क्योंकि जब तक वो बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएंगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन गाइस जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है वो अपने 80-90% या 95% पर अभी भी रहते हैं, तो यार तुम्हें करनी है एनसीईआरटी रीडिंग, वो भी डीपर बहुत अच्छे से। गाइस जितने डीपली तुम एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम गाइस तुम्हें अपना पूरा सिलेबस रिवीजन इन दो चीज़ों से करना है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से देख लेना कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। देन गाइस यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है भैया प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, लेकिन वो कैसे करें? तो यार देखो, इस समय तुम PYQs तो हालांकि लगाओगे, लेकिन यार मैं तुमसे कहूंगा कि तुम PYQs से भी ज़्यादा ना सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि गाइस देखो ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसने मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि यार देखो सैम्पल पेपर्स में बेसिकली अगर तुम लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हो तो गाइस उसमें क्या होता है कि तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे बेसिकली आने वाले हैं गाइस, इसके अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ती है। साथ ही साथ जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना, वो भी तुम सैम्पल पेपर के जरिए सॉल्व करते हुए जाते हो, तो तुम्हारी वो एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी बन जाती है। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और बाकी टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें तो तुम्हारी टेस्टेड हो ही जाती हैं सब में, ठीक है। लेकिन हाँ, हालांकि तुम्हें प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना साइंस में, अगर हल्के फुल्का तुम इन पे भी ध्यान दे दोगे तो वो बहुत है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ अब अगली जो बात आती है यार वो है कि भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करें, जो कि मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो यार देखो वो टॉपिक्स रिगार्डिंग एक वीडियो तुम्हें आज शाम को मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे गाइस तुम्हारी पूरी साइंस के सिलेबस में से, तो उसे जरूर देखना, ठीक है। देन गाइस यहाँ एक ऐसे क्वेश्चन जो कि काफी देखे जा रहे हैं वो है एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए गाइस एक सेशन आने वाला है तुम्हारे सामने कल, तो उसे जरूर देखना। उसमें मैं तुम्हारे साइंस के पूरे सिलेबस में से गाइस जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो उसे अच्छे से देखना, तो यार देखो एक्टिविटीज भी हो जाएंगी अपनी, फुल सिलेबस रिविजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बता दी, सैम्पल पेपर्स तुम जितने सॉल्व करोगे उतने अच्छे हो जाएंगे। तो बस यार इन तीनों कॉम्बिनेशन से चलो बहुत अच्छा तुम्हारा एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो यार देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ तुम ये स्ट्रेटेजी तो सुनोगे, लेकिन इसे तुम कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो यार देखो ये मेहनत तुम्हें करनी है, गाइडेंस मैंने तुम्हें दे दी है, तो बस गाइस अपने पूरे एफर्ट लगाओ, जितने अच्छे से तुम अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो इस समय, जितने भी तुम्हारे सामने एक एक मिनट को यार समझो और उस अपनी स्टडी को दो, ठीक है। तो यार इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी गाइस तुम्हारे अभी प्रिपरेशन में जो भी सबसे बड़ा डाउट है कि भैया मेरे ये पोर्शन बिल्कुल वीक है, मैं क्या करूँ, ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग गाइस तुम डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल ओपनली अपने डाउट पूछो, मैं तुम्हारे हर एक डाउट का आंसर करूंगा, ठीक है। बाकी यार देखो अगर तुम्हें जितने भी स्टडी मटेरियल या गाइस जो वीडियोस होंगी वो तो तुम्हें बेसिकली यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन जितने भी स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा गाइस वो सब मिलेगा टेलीग्राम पे, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले सुपर प्रॉमिसिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।